तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टोकन के बारे में जिसका नाम है बाउंटी टेम्पल, जो कि आप इसे देख सकते हो। ये अब मैंने अभी क्वाइन गेको में इसको ओपन किया है। बेसिकली ये एक गेमिंग और एनएफटी प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में अच्छा पंप हो सकती है। रिसेंटली कई सारे एक्सचेंजेस में लिस्टिंग हो रहे हैं जिस कारण से इसमें अच्छा खासा पंप हो सकता है। तो सारा कुछ जानेंगे इस टोकन के बारे में। मैक्सिमम वीडियो का पूरा देखना क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं अच्छे खासे वो रिटर्न यहाँ पर दे रही है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से वीडियो आपको देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आपने उसको भी ज्वाइन कर लिया हो। तो बात करें इस टोकन के बारे में, तो ये एक गेमिंग एनएफटी प्रोजेक्ट है जहां पर आप इसके गेम को प्ले करके आप इस टोकन को अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली प्ले टू अर्न का कॉन्सेप्ट है। व्हाइट पेपर यहाँ पर इसका दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर स्टडी करना, हालांकि मैं इसको आगे बताऊंगा। अभी आप देखोगे तो रेड विलेजेस, अटैक, स्टील, तो इस तरह का कुछ गेम है जहाँ पे कुछ अटैक करनी है, जो गेमिंग का सिस्टम होता है उस तरह से कुछ गेम है। और 100+ आपको गेम मिल जाएंगे जिसको प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक टोकन मिलता है, GIA टोकन आपको यहाँ पे मिलता है, ये देख सकते हो। और 15 मिनट में गेम प्ले करने पे आपको ये टोकन एज ए रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। और यहाँ पे सारा कुछ इसका सिस्टम है जो आप देख सकते हो। इसके गेमिंग के बारे में सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसके बाद एज ए NFT मार्केट प्लेस भी है जहां पर आप इसके NFT को बाय कर सकते हो। बहुत सारे NFT है, तो इनको भी बाइंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, इससे भी एक अर्निंग आपकी बन सकती है। बाकी हम फोकस करेंगे इसके टोकन के ऊपर में, जो अच्छे खासे पंप होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इसमें कई सारे एक्सचेंजेस में लिस्टिंग होने वाले हैं और कुछ एक्सचेंजेस में लगातार लिस्टिंग हो रही है। मतलब आज से लेकर कल तक में ये 7 एक्सचेंजेस में लिस्ट होंगे। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर न्यूज निकल कर हमें सामने आ रही है। फिलहाल इसके पार्टनर देखोगे तो पॉलीगोन से लेकर ATF कैपिटल, DWF लैब्स, कई सारे ब्रांड इसके यहाँ पर पार्टनर है। रोड मैप आप यहाँ पे देख सकते हो, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और Phase 4 कंप्लीट हो चुका है, कई सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो चुकी है, और Phase 6 में ये अभी यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद आप इसके ट्यूटर वगैरह को ज्वाइन कर लेना, कुछ सारे अपडेट है जो मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। अभी आप इसके टीम से यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन इसके टीम पे हैं। टीम में देखोगे तो सारे लोग एक्सपीरियंस लोग हैं जो अच्छे खासे इस प्रोजेक्ट को काम कर रही हैं और प्रोजेक्ट में डेवलप लाने की कोशिश कर रहे हैं। इवान लूथरा, जिसको आप जानते होंगे, क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसका नाम आपने सुना होगा, तो ये सब इसके टीम का ही एक पार्ट है जो इस प्रोजेक्ट को पंप कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा सकती है, अच्छे खासे पंप हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है मार्केट अभी फिलहाल काफ़ी बुलिश मोड में है, तो ऐसे में ये टोकन काफ़ी अच्छा पंप कर सकती है। गेमिंग का भी प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। टू प्ले में जाओगे तो किस तरह से इस गेम को प्ले कर सकते हो सारा कुछ मिलेगा। अबाउट में टीम पार्टनर ये सब आप देख सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं इसके व्हाइट पेपर में जाते हैं। व्हाइट पेपर में सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बताया मैंने आपको, एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आप इसका रोड मैप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है। और यहाँ पर इसके जो टोकनॉमिक्स है वो आप यहाँ पर जरूर देखना। बाउंटी टेम्पल टोकन, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। 48 मिलियन इसका यहाँ पर टोटल सप्लाई है। TYT टोकन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो TYT टोकन है, ये बाउंटी टेम्पल का एक गवर्नेंस टोकन है इस प्लेटफॉर्म का। और यहाँ पे जो इसकी टोटल सप्लाई है वो 48 मिलियन का है, बहुत ही कम सप्लाई है। और $1 से ये यहाँ पर लॉन्च हुआ है। इसके यहाँ पर टोकोनॉमिक्स को भी आप देख सकते हो, ये सारा टोकोनॉमिक्स है। प्ले टू अर्न में, स्टैकिंग में और टीम टोकन्स, ये सब में कितने कितने परसेंटेज यहाँ पर जा रहे हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। 8,33,000 का इसका टोटल इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि इस टोकन में अच्छे खासे पंप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी। बाकी ट्विटर में जाओगे तो सारा कुछ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली ये कई सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो रहे हैं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे एक्सचेंजेस में लिस्टिंग होने की बात चल रही है। और अभी ये एसेंडेक्स में लिस्टिंग हो चुकी है, इसके बाद MEXC में कल ये लिस्ट हो जाएगी और BingX में भी लिस्टिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस है जिसमें लिस्टिंग की बात चल रही है। तो लगभग 5 से 6 तारीख के बीच में 7 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रही है, जिसमें MEXC, पोलोनिक्स, कांगा, बीटमार्ट, BingX, LCX, इन सब एक्सचेंजेस पे ये लिस्टिंग हो रही है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसके ट्विटर में। आप देख सकते हो बाउंटी टेम्पल लिस्टिंग डेट, एसेंडेक्स, ये लिस्टिंग हो चुका है। इसके बाद टाइमिंग, स्टिकिंग और यहाँ पे
यहाँ पर देख सकते हो सैक्स लिस्टिंग 6 मार्च को यहाँ पर लिस्टिंग है, और वो लिस्टिंग है आपके MEXC एक्सचेंज पे। तो MEXC में भी ये लिस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हो। प्राइवेट सेल का जो प्राइस है वो $1 का है, लेकिन जो इसकी लिस्टिंग है वो ऑलरेडी $2 जा चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो देख सकते हो $1.96 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है, अच्छे खासे लिस्टिंग चल रही है। तो काफ़ी अच्छे अपडेट है इस टोकन का, और मैं समझता हूँ इस टोकन में अच्छे खासे पम्प भी आ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसमें क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। इसके टीम के बारे में बात करूँ तो ज़्यादातर जो इसके टीम है वो मलेशियन गैम डेवलपर्स से ज़्यादा है, और वहाँ के लोग जो है काफ़ी अच्छा गैम को डेवलप करते हैं। और ये जो टोटल सिस्टम बना हुआ है वो पॉलीगोन सिस्टम पे है। पॉलीगोन का प्राइस जैसे ही पंप होगा तो ये सब कॉइन और ज़्यादा पंप होने के चांसेस यहाँ पर होंगे। रिसेंटली आपने देखा कि बाइनेंस में जो भी प्रोजेक्ट लिस्ट हुए हैं काफ़ी अच्छा पंप हुए हैं, तो अगर ये टोकन आने वाले टाइम में बाइनेंस में भी लिस्ट हो जाती है तो अच्छा खासा पंप यहाँ पे कर सकती है। तो मैं इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, आप भी अपना रिसर्च जरूर करना, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप अपना रिसर्च कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद।